तो आज हम आपको लेकर आ गए नागपुर के सबसे फेमस मोस्ट ऑनेस्ट स्ट्रीट फूड शेफ की शॉप पे। तो आज हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं चाइनीज कॉम्बो जो कि 25 रुपए मिलता है। तो चलिए चलते हैं उसकी मेकिंग देखने से टेस्ट करते हैं। भैया अपना नाम बता दीजिए। नाम भाई अपना सतीश है। तो कितना टाइम हो गया आपकी दुकान? 22 साल हो गए भाई। भाई अभी अपने यहाँ बन रहा है तवा नूडल्स, और तवा नूडल्स बनाने वाला बंदे भी अपन इकलौते ही थे पहले तो नागपुर में। नागपुर में 5 रुपये प्लेट था, तब से बना रहे 2000 से। अच्छा, सबसे पहले आ गया आपके प्याज ऑनियन, ठीक है, शिमला मिर्ची आइटम मेरे पास सब डालेगा, वो सस्ता रहे या महंगा रहे, ऐसा नहीं कि आज महंगा है तो नहीं डालेगा, आइटम सब डालेगा। तो सब फटाफट करना पड़ता है यहाँ पे, फास्ट करना पड़ता है, कस्टमर है, रुकता नहीं ना भाई। अभी कस्टमर को क्या लगेगा, ये पत्ता गोभी खिलाता है, अपन खिला रहे वेजिटेबल नूडल्स, और मेरे चाइनीज में पत्ता गोभी नहीं के बराबर मिलेगा। जो भी ढूंढ के दिखाएंगे उसको 1 प्लेट 1 पर्सन 1 ईयर फ्री है। ये चाइनीज़ के हर जगह काउंटर लगे हुए हैं, हर स्टॉल लगे हुए हैं, पर ये चाइनीज़ में कैसा अपना कॉन्सेप्ट अलग है। कॉम्बो कोई नहीं खिलाता है, कॉम्बो में मैं क्या करता हूँ, हाफ नूडल्स, हाफ मंचूरियन, हाका नूडल्स, वेजिटेबल, मसाले। तो कॉम्बो कितने रुपये का रहता है? 25। तो मुझे लगता है सस्ता कॉम्बो आपको कहीं और मिलने वाला है? वर्ल्ड में नहीं है भैया सस्ता, क्या इंडिया की बात ही नहीं किया मैंने। और अभी नूडल्स देखना, फिर बॉयल नूडल्स है ये देखो, ये अपने मंचूरियन की ग्रेवी हो गई है टमाटर प्यूरी की, ठीक है, और उसके बाद ये अपने मंचूरियंस के बॉल है। 1 प्लेट 25 रुपीज़ के आते हैं, 6 बॉल आते हैं उसमें, लोगों के पास 80 रुपये प्लेट है, 8 पीस आते हैं। अपने को पैसा नहीं कमाना ना भाई, आप लोग का प्यार है वही बहुत मेरे लिए बहुत मायने है। पैसा कमाना रहता तो आज अपने 2 बंगले रहते थे, माँ बाप का दिया मकान है एक है वही बहुत है। आज भी मेरे पास एक्टिवा है जो ओल्ड है, सेकेंड हैंड खरीदा हुआ मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं खरीद सकता, लेकिन नहीं, जो चीज़ चल रही है उसको क्या डबल हो करना, पैसा इन्वेस्टमेंट करना ना, वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। ये कौन से मसाले भैया? भैया ये सब चिंग्स कंपनी के मसाले हैं, मार्केट में सब अवेलेबल है, स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है भाई। मैं डब्बी में छुपा दूँ और बोल दूँ भैया ये मेरे घर में हाथ से कूटे हुए, अरे भैया हाथ कहाँ, इंसान आज टाइम नहीं है किसके पास, कौन हाथ से इतने 5-5 किलो मसाले कूट सकता है, कोई नहीं कूट सकता, सब फेक बातें हो। अरे स्पेशल है क्या ये तो बताओ ना मेरे को, जो बोलना चाहिए थोड़ा अच्छा बोले कि भैया सामने वाले को भी लगे हाँ भैया इसमें इस बात में सच्चाई है। भैया देखो अब वो पीली मिर्ची कभी देख कूटी हुई देखी क्या आपने? वो कूट के आती है पैकेट में, उन लोग खोलते हैं डब्बे में डाल देते हैं। अभी आप देखो मैंने नूडल डाला, पत्ता गोभी, अभी आप पत्ता गोभी ढूंढना मिक्स होने के बाद। इसमें ये हाफ नूडल्स जा रही है, यस वो पुष्पा फायर था, ये अपन फ्लावर है। पूरी प्लेट अच्छे से सजा दी है भाई। देखो इसमें अभी मैंने हाफ नूडल्स डाला हूँ, ये ग्रेवी वाला वेज मंचूरियन है हाफ, इसमें कस्टमर ग्रेवी सलाद डबल डबल ले सकता भैया, यहाँ कोई मनाई वाला काम नहीं है, ठीक है। ये 25 रुपीज़ का कॉम्बो रहेगा, इसमें अभी और आइटम जा रहे, अभी जा रहे वेजेस। अब ये जाएगा हाका नूडल्स, और ये जा रहे अभी चाट मसाला। चाइनीज़ में कोई भी बोलेगा ये क्या डालता, मैं कुछ भी डालता हूँ, जबकि चाट मसाला चाट में जाता है, अपन इसमें डाल रहे हैं। ये फ्रेंकी मसाला है, 3-4 मसाले डाल के बनाया हुआ है, कोई सीक्रेट नहीं है, और ये बन गई अपनी कॉम्बो। ये है 25 रुपीज़ प्लेट, अगर ये प्लेट 25 की कोई देता हूँ तो उसके लिए 1 प्लेट 1 पर्सन 1 ईयर फ्री है। तो फाइनली नागपुर में हमने स्पेशल नूडल्स कॉम्बो यहाँ पे लगा लिया है। तो देख सकते हो ये है प्लेट 2500 की प्लेट है, जिसमें कि आपको 3 मंचूरियन मिल जाएंगे और साथ में नूडल मिल जाएगी, और हमारे साथ है यहाँ पे भुक्कड़ ऑफिशियल, तो आज हमें यही टेस्ट करके बताएंगे। तो मैं लेता हूँ 1 मंचूरियन का पीस और साथ में 4 डेज़ से नूडल्स। मैं तो खैर इनका रेगुलर कस्टमर हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है टोमेटो प्यूरी वगैरह का,
बाकी जो की ग्रेवी से बहुत ज़्यादा अलग है। तो सॉसेज काफ़ी अच्छे से डाले हुए हैं, हल्के फुल्के मसाले डाले हैं और साथ ही साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है मंचूरियन के साथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है। और 25 रुपये मुझे नहीं लगता पूरे नागपुर में आपको इतनी कोई सस्ती प्लेट देगा। टाइमिंग क्या रहता है भैया? अपना टाइमिंग अभी 5:30 से 10 बजे तक बैठ रहा हूँ, पूरे दिन ऑल टाइम चालू रहता है। अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन रहा या बाहर गया तो बंद रहता है। एड्रेस है अपना गड्डी गोदाम चौक गणेश होटल के सामने, ओल्ड गणेश के सामने। तो नागपुर के मुझे प्लेसेस इन्होंने रिकमेंड किए, तो आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और इनको फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं दोनों। तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए, इनका पे चेक कीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।